नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,459 नए मामले सामने, अब तक 3.20 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। ठीक, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे, लेकिन इस बीच देश के लिए राहत भरी खबर यह है कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में अब तक कोरोना वायरस के 3.20 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,459 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना से 380 लोगों की मौतें हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस से 5,58,318 मामले आ चुके हैं। इन मरीजों में से 3,21,730 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के फिलहाल 2,10,120 एक्टिव केसेस है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम स्वयंसेवी संस्थान संगठन लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी एवं रोट्रैक्ट क्लब ऑफ सिलीगुड़ी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर एवं स्वस्थ जांच शिविर का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि ब्लड वॉरियर सिलीगुड़ी की स्थापना हाल ही में 21 जून 2020 को की गई थी। उनके संस्था के द्वारा पहला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार के द्वारा पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते तमाम संगठन रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं कर पा रही है और सिलीगुड़ी के विभिन्न अस्पतालों में रक्त की कमी देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उक्त रक्तदान शिविर सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से अनुपालन करते हुए किया गया। यहाँ पे नहीं, मतलब जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ करने के लिए तो मैं श्योर करूँ। सैनिटाइजर्स ऑलवेज हमेशा अपने हाथ में रहते हैं, हैंड वॉश हमेशा करते रहते हैं एंड मास्क तो ऑलवेज रहना ही है जैसे गवर्नमेंट का या है। जो हम लोग अभी का जो पोजीशन जो है कोविड-19 जो है अभी चल रहा है तो उसका जो जितना प्रिकॉशन जो है हम लोग पूरे करके हम लोग यहाँ काम शुरू किया है। 40 मिनट का टारगेट दिया गया है। 40 ये आज 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ है और आज 4 बजे तक हमारा ये शिविर चलेगा, जिसके अंदर में हमारा 50 मिनट का टारगेट है और होपफुली आज 50 मिनट हम लोग सेवा दे पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए अभी प्राय जितने ब्लड बैंक है उसमें ब्लड की बहुत सारी किल्लत है। अब उस किल्लत को पूरा कौन करेगा? हम जैसे समाज से ही उसको पूरा कर सकते हैं। डोनर्स जो है वो आगे बढ़कर आएंगे तो वही पूरा जो है हेल्प करके लोगों का ब्लड का कमी पूरा करेंगे। ये ब्लड यूनिट, ये ब्लड डोनेशन कैंप में हमें परमिशन वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने ये सोचा है कि 50 यूनिट एटलीस्ट हम लोग गैदर करेंगे। प्रिकॉशन ऐसा है कि हमने अर्ली इन द मॉर्निंग आके ये पूरा जो वेन्यू है फुल्ली सैनिटाइज करवा दिया था हमारे विद द सपोर्ट ऑफ अपने एरिया के जो काउंसिलर है प्रदीप जी को है, उनके सपोर्ट में हमने पूरा फुल्ली सैनिटाइज करवा दिया था। उसके बाद अभी अपने बेड्स वगैरह भी सैनिटाइज हो रहे हैं, जैसे कि ये ब्लड जो भी बेड्स हैं इसमें जो भी डोनर डोनेट कर रहे हैं जैसे वो उठते हैं ये दोबारा सैनिटाइज होती है। हर एक के बाद सैनिटाइज होने के बाद 10 मिनट तक ये वैकेंट रहती है चेयर्स, उसके बाद ही इसमें दोबारा किसी को डोनेशन के लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं। भीषण अग्निकांड में दुकान जलकर राख। अलीपुरद्वार जिले के बारोबेशा बाजार संलग्न इलाके में रविवार देर रात भयावहक अग्निकांड में एक दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दुकान के पीछे बने घर में रहने वाले लोग आग लगी में जान गंवाने से बाल बाल बचे। कल देर रात इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कल देर रात बारोबेशा बाजार संलग्न इलाके में कप प्लेट की एक दुकान में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दुकान में आग लगते देख आग बुझाने में जुट गए। इस बीच दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगे में लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। क्वारंटाइन सेंटर में युवती के साथ छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार। क्वारंटाइन सेंटर में एक आदिवासी युवती के साथ सफाई कर्मी द्वारा छेड़खानी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलीपुरद्वार जिले के शमुकतला इलाके में इस घटना के बाद से भारी तनाव देखा गया। जानकारी के अनुसार शमुकतला थाने के तुरतुरी ग्राम पंचायत के सिमलाबाड़ी इलाके की निवासी प्रणेता युवती काम के सिलसिले में दिल्ली गई थी। शनिवार को वहां दिल्ली से लौटकर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रांजिट पॉइंट पहुंची। वहां से उसे शमुकतला थाने के सटे ज्योतियार स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। बताया जाता है कि शनिवार रात करीब 12 बजे क्वारंटाइन सेंटर में टॉयलेट के लिए निकली,
तभी क्वारंटाइन सेंटर के दायित्व में रहे सफाई कर्मी मिथुन पाल ने उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। युवती की चीख पुकार सुनकर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले पुरुष व महिलाएं बाहर निकले। तब तक आरोपी मिथुन वहां से भाग निकला। रविवार सुबह पीड़िता की शिकायत पर श्यामकतला थाने की पुलिस ने आरोपी मिथुन पाल को काजीपाड़ा इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया। श्यामकतला थाने के प्रभारी ऑफिसर विराज मुखोपाध्याय ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में सफाई कर्मी के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज की गई है। इसी आधार पर आरोपी मिथुन पाल को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। एक तरफ जहां लॉकडाउन जारी है, वहीं दूसरी तरफ तमाम संस्थाओं के द्वारा राहत राशन सामग्री देने का काम बंद कर दिया गया है। इस बीच सिलीगुड़ी के विद्यापति मंच की ओर से सिलीगुड़ी के चंपासर स्थित उत्पल नगर में लगभग 200 परिवार वालों को अनाज, मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किया गया, जिसमें सिलीगुड़ी के सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर एस के झा और उनकी पत्नी भी उपस्थित रही थी। इसके अलावा उपस्थित रहे अमर झा, चंद्र कुमार झा, पवन झा, गीतांजलि झा, तुलसी मिश्रा, बबीता झा, शिवानी झा, अमित मिश्रा, गणपति चौधरी, तारा चौधरी व अन्य व्यक्ति विशेष की उपस्थिति रही थी। फिर बड़ा पेट्रोल के दाम, डीजल में भी आई तेजी। पेट्रोल और डीजल कीमतों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भी तेजी आई है। कीमतों में हुई बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर पर आ गई है। वहीं डीजल की कीमत सोमवार को दिल्ली में 13 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से दिल्ली में डीजल की कीमत 80.53 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार को पेट्रोल 82.10 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 75.64 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। इससे पहले रविवार को पेट्रोल डीजल के भाव यथावत बने हुए थे। गलवान घाटी में ऑरेंज अलर्ट पर है भारतीय सेना। चीन को जवाब देने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम तैनात। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद उपजे तनाव के बीच अब भारतीय सेनाओं ने जमीन ही नहीं हवा में भी उसे घेरने के लिए मजबूत जाल बिछा रखा है। पूरे लद्दाख में भारतीय वायुसेना और थल सेना ऑरेंज अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, दुश्मन के विमान तबाह करने के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। वायुसेना के आधुनिक रेडार दुश्मन के विमानों को उसके बेस पर ही निगरानी पर रखे है। पूर्वी लद्दाख में चीन के मुकाबले भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। एक और तोपखाना जरूरत पड़ने पर सटीक वार करने को मुस्तैद है, तो भारतीय वायुसेना भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। सैन्य सूत्र के अनुसार दोनों भारतीय सेनाओं ने तोपों और मिसाइलों की तैनाती करने के साथ ही पूर्वी लद्दाख में गत दिनों अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर दिया है। इसके अलावा भी नए उपकरणों को शामिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरा मेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस वो बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल के टॉप कमांडर मसूद सईद तीन आतंकी ढेर, त्राल के बाद डोडा भी आतंक मुक्त। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाया में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। अनंतनाग के खुलचोहर इलाके में सुरक्षा बलों ने आज सोमवार तड़के तीन आतंकवादियों को मार गिराया। ढोडा का रहने वाला हिजबुल कमांडर मसूद अजमुद भेड़ में मारा गया। वहां ढोडा जिले में जीवित बचा आखिरी आतंकी था।
उसके सफाई के साथ ही ढोडा जिले में आतंकी खत्म हो गए हैं। मसूद के पास से कई हथियार बरामद किया गया है। बाकी दो आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। आज के मुठभेड़ के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 116 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से 38 आतंकवादी सिर्फ इस महीने मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड 19 के एक दिन में सर्वाधिक 572 नए मामले सामने। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 572 नए मामले दर्ज किए गए, जो एक दिन में राज्य में सबसे अधिक मामले हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कोविड 19 से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,283 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इस अवधि में 10 और संक्रमित लोगों की मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 639 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोलकाता में 7 लोगों की मौतें हुई, जबकि हावड़ा, पूर्वी वर्धमान, मुर्शिदाबाद में एक एक व्यक्ति की मौत हुई और सभी मरीज अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। बुलेटिन के मुताबिक रविवार को संक्रमण मुक्त होने के बाद 404 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 11,193 पहुँच गई है। कोविड 19 से दुनिया में संक्रमण से अब तक 5,00,000 लोगों की हो चुकी है मौतें। बीजिंग के नजदीकी इलाकों में 4,00,000 लोग लॉकडाउन में। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,932 हो गई है। इनमें 55,53,107 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 5,04,366 लोगों की जान जा चुकी है। चीन ने बीजिंग के नजदीकी इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है। यहाँ के करीब 4,00,000 लोग नजरबंद हो गए हैं। संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। 15 दिन में यहाँ 311 मरीज मिल चुके हैं। इधर यूएई के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान से आने वाले सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी है। WHO के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 1,79,077 नए केसेज सामने आए, जबकि 4,612 लोगों की मौतें हुई है। शनिवार को 1,79,316 मरीज मिले थे। पश्चिम बंगाल में गोली लगने से बीजेपी नेता घायल, TMC पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी नेता पाबित्रा दास गोली लगने से घायल हो गए हैं। कथित तौर पर उन पर यह हमला TMC से जुड़े लोगों द्वारा किया गया बताया जा रहा है। घायल बीजेपी नेता पाबित्रा दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार को बीजेपी के जिलाध्यक्ष पाबित्रा दास को गोली लगने के बाद से भारी संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। इसके बाद बीजेपी ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल में पुलिस और TMC के गुंडों के बीच मिलीभगत है। मैं जांच की मांग करता हूं। TMC के आरोपी गुंडों को और पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सोनदेश की बिक्री करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। बंगाली मिठाइयों को पसंद करने वाले लोगों के लिए कोविड 19 की महामारी के बीच अच्छी खबर आई है। पश्चिम बंगाल सरकार सोनदेश को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें सुंदरवन के शहद का इस्तेमाल किया जाएगा, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार होगा। पशुधन संसाधन विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि गाय के दूध से बने छेने में सुंदरवन के शहद को मिलाकर आरोग्य सोनदेश बनाया जाएगा, जिसमें तुलसी का अर्क भी मिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें कोई भी कृत्रिम स्वाद नहीं मिलाया जाएगा और आरोग्य सोनदेश कोलकाता और पड़ोसी जिलों में विभाग के बिक्री केंद्रों में बेचा जाएगा। नेपाल बॉर्डर पर बड़ा आतंकी खतरा। पाकिस्तान आर्मी से ट्रेंड 5 से 6 आतंकी बिहार में घुस सकते हैं। राज्य के सभी जिले हाई अलर्ट पर। धमकी भरे ईमेल में गृह मंत्री अमित शाह का भी है नाम। बिहार में आतंकी घुसपैठ के खतरे को देखते हुए स्पेशल ब्रांच ने राज्य के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेपाल बॉर्डर से बिहार में घुस सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ISI ने 5 से 6 आतंकियों को भेजने का प्लान बनाया है। इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना से ट्रेनिंग दिलवाई गई है। जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा ईमेल आया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे भाजपा नेताओं को आतंकियों की हिट लिस्ट में बताया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों समर्थक भाजपा में शामिल। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज की भंडार ग्राम पंचायत अंतर्गत तुंगिल बेलपाड़ा गांव में सोमवार को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के उत्तर दिनाजपुर जिलाध्यक्ष विश्वजीत लिहाड़ी ने इन सभी को पार्टी का झंडा प्रदान कर उन्हें अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर भंडार पंचायत के भाजपा प्रधान कृष्ण बर्मन, भाजपा के कालियागंज शहर मंडल अध्यक्ष भवानी चरण सिंह, जिला नेता गौतम विश्वास, जगन्नाथ भट्टाचार्य, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष डोला मोदक समेत काफी संख्या में अन्य नेता व समर्थक मौजूद थे। भाजपा के जिलाध्यक्ष विश्वजीत लिहाड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर काफी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के समर्थक भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिससे पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। आज के टोंगिल बिल जे पूर्व पारा आछे, ए पूर्व पारा ते
আমাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এনারা আবেদন করেন যে আমরা এই এলাকার সমস্ত টিএমসি কংগ্রেস সিপিএম এবং কি সোশ্যালিস্ট পার্টি ছেড়ে এবং এখানে হাট কমিটি আছে এবং সিপিএমও আছে যে আমরা বিজেপিতে যোগদান করতে চাই। সেই ওনাদের আবেদনে ভারতীয় জনতা পার্টি এখানকার মন্ডল প্রেসিডেন্ট সাড়া দিয়ে আজকে এখানে জয়েনিং কার্যক্রমটা রেখেছে। তা আমরা দেখলাম এখানে সিপিএম কংগ্রেস টিএমসি এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে টিএমসি আছে, তারপরে হাট কমিটি আছে, সোশ্যালিস্ট পার্টি আছে, সমস্ত পার্টির কার্যকর্তারা তাদের দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজকে যোগদান করলেন। আর এই যোগদানের ফলে এই এলাকাতে ভারতীয় জনতা পার্টির যে শক্তি ছিল সেই শক্তি ইনাদের প্রচেষ্টাতে আরও বৃদ্ধি পাবে। আমার এনাদের জয়েনিং দেখে মনে হচ্ছে যে এই এলাকাতে অন্য পার্টি একদম শূন্য হয়ে যাবে, এখানে একটাই মাত্র পার্টি থাকবে ইনাদের চেষ্টাতে, যেটার নাম হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর তা যদি ইনারা ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করেছে, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি হিসেবে এনাদেরকে প্রথমে আজকে যোগদান কর্মসূচির জন্য প্রত্যেককে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে গৈরিক অভিনন্দন জানাই। এদেরকে তার সাথে সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি যেনারা এসেছেন, এনারা ভারতীয় জনতা পার্টির কাজকে সিবৃদ্ধি করার জন্য এনারা এনাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে কাজ করবেন, এ আমার ভরসা। আর আজকের ওনাদের জয়েনিং কার্যক্রম এখানে সফল হবে। আজকে লিয়ে বাস ইতনা হি, আর মুঝে দিজিয়ে ইজাজত, আর দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ, আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।